अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नुसरत मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ हलवा बनाने की एक बहुत ही आसान सी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अब इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये एक कप मैंने लिया है सेमोलिना यानी कि सूजी, 1.5 कप मैंने लिया है शुगर यानी कि चीनी, 1 कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल यानी कि तेल, हरी इलायची मैंने ली है ग्रीन कार्डमम 6, ये मैंने 6 ली हैं, ऑरेंज फूड कलर आपको चाहिएगा 1/2 टीस्पून और 1 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया यानी कि ऑल पर्पज़ फ्लावर। इसी के साथ मैंने ये 2 कप मैंने लिया है मिक्स करके बॉयल, मैंने लिया था वाटर, उसमें मैंने 1 कप मैंने साथ दूध मिक्स किया है, तो ये भी आपको चाहिए होगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीनी है वो आप इसमें गर्म दूध में और पानी में मिला दें और साथ ही जो ये ऑरेंज फूड कलर है ये भी आपने मिला के अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इसको आपने अच्छे तरीके से, ताकि चीनी जो है इसमें अच्छे तरीके से हल हो जाए, पानी आपने और पानी और दूध का जो मिक्सचर है ये आपने गर्म लेना है, ठंडा नहीं लेना, वरना जो ये कलर मैंने डाला है इसकी गुटलियाँ सी बन जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। इसके बाद एक कढ़ाई जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दी है, आप उसमें आप जो 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया था वो आप डाल दें। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें आपने जो इलायची थी वो डाल देनी है। आँच आपने इसकी दरमियानी रखनी है। इसके बाद आँच जो है वो आपने हल्की करके, तो इसमें आपने सूजी जो थी 1 कप वो डाल देनी है और साथ ही 1 टेबलस्पून जो मैदा था वो डाल देना है। मैदा डालने से ये है कि इसमें गुटलियाँ भी नहीं बनती और नरम भी रहता है। इसे आप अच्छे तरीके से 5-1 मिनट तक हल्की आँच पे भून लें। सूजी को कंटिन्यू आपने हिलाते रहना है। अब ये 5 मिनट हो गए हैं, इसमें जब अच्छी सी स्मेल एक आने शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने ये जो चीनी और दूध का मिक्सचर था ये इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल देना है। और इसको 2-3 मिनट तक दरमियानी आँच पे आपने पका लेना है। हमारा रेडी हो चुका है, ऑयल इसका जब ऊपर आ जाए तो हलवा हमारा रेडी है। इसको आप एक मिनट और दे दें और चूल्हा बंद कर दें। मैं आपको सिखा रही हूँ बहुत ही आसानी से बनने वाली पूरियाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनके लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है मैं इस तरह वो इस तरह से हैं। 2.5 कप मैंने लिया ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा, दूध लिया है 1 मैंने लिया, इसमें जितना मुझे ज़रूरत पड़ेगा वो मैं इसमें डालूँगी। 2 टेबलस्पून मैंने लिया योगर्ट, 1 टीस्पून मैंने लिया सॉल्ट और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया कुकिंग ऑयल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह का आपको बर्तन चाहिए होगा जिसमें आपने आटा गूंदना है। सबसे पहले आप ले लीजिए मैदा यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर, 2.5 कप मैंने लिया था, साथ ही आप 2 टेबलस्पून योगर्ट है ये भी डाल लें और साथ ही सॉल्ट लेके आप इसको अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लें। इस आटे को आप आटा गूंदने वाली मशीन में, फूड प्रोसेसर में गूंद सकते हैं, मैं आज आपको हाथ से दिखा रही हूँ। अच्छे तरीके से जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध आपने डालना है, ज़्यादा एकदम से नहीं डालना। आटा जो है वो आपने जैसे आम आटा आप गूंदते हैं आपने वैसा ही गूंदना है, ना ज़्यादा इसको सख्त करना है ना नरम करना है। दूध डालने से आपकी जो पूड़ियाँ हैं वो बहुत नरम बनेंगी और योगर्ट डालने का भी यही मकसद है कि इससे पूड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा नरम और अच्छी बनती हैं, बहुत खस्ता नहीं होती। आटा जब अच्छे तरीके से गूंज जाए तो आपने जो है इसको एक बॉल में डाल देना है और हाथ अपने इस तरह ऑयल में लगा के इसको 10 मिनट के लिए आपने रेस्ट देना है। फिर उसके बाद बताती हूँ मैं क्या करना है नेक्स्ट स्टेप। ये 5 मिनट से ज़्यादा इसको हो गए हैं, 5 मिनट के बाद जो है मैंने इसको निकाल के दोबारा से इसको सेट किया था
और तकरीबन इसको 10 मिनट हो गए हैं सेट किए हुए। इसके बाद इसके आप इस तरह छोटे छोटे से पेड़े बना लें। ये पूरियां जो है आप दो तरह से बना सकते हैं। मेरे पास ये एक मशीन है, इसमें भी आप बना सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप यूज़ करें, और अगर नहीं है तो मैं आपको इसका लिंक भी दे दूँगी अगर आप लेना चाहें तो। इसे बहुत आसानी से एक सेकेंड के अंदर ये बन जाती हैं। इनको उतार के आप रखते जाएं। हल्का सा प्रेस करें तो ये आपकी पूरी रेडी है। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि हाथ से भी बेल के आपको एक पूरी में दिखा देती हूँ। आप हाथों से भी इसको बेल के बना सकते हैं। इसी तरह से आप सारी पूरियाँ जो हैं तल लें। हलवा पूरी हमारे रेडी हो चुके हैं, तो ये है इनकी फाइनल लुक। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा सकती हूँ। ये बहुत नरम मुलायम और बहुत अच्छी बनी है, तो ट्राई कीजिए। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।